क्या शॉट मारा है, रंगीला को भी उड़ा दिया। रंगीला चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ रुद्रा। अरे वरुण, मारा की बॉल पे शॉट लगा के क्या कमाल किया, तुम मेरी बॉल पे शॉट लगा के दिखाओ तो जानू। आ जाओ आ जाओ, मैं डरता हूँ क्या, देखना सीधा सिक्स मारूंगा। गीला बॉल फेंकनी भी है। रंगीला बॉल से विकेट को हिट करना है, सिर से नहीं। कोई बात नहीं, इस बार गलती से मिस्टेक हो गई। अब देखना, बॉल को हाथ से छुड़ाने के लिए थोड़ा मैजिक इस्तेमाल करूंगा। अंतर मंतर काली कलंतर बॉल गुम। अरे ट्रे को मारू या बॉल को? ओ नो, ये तो चीटिंग है। वरुण तुम आउट हो गए, बस अब मेरी बारी है। मैं बॉलिंग करूंगा। अंतर मंतर काली कलंतर बॉल स्टॉपो। रुद्रा किधर सिक्स मारूं? वो उधर। सिक्स। अरे ये क्या क्रिकेट है, सब मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। रुद्रा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। बाय बाय। ओके दादाजी, बाय बाय दादाजी। चलो बच्चों, खाना तैयार है। चिल्ली, क्या दादाजी ने खाना खा लिया? हाँ, उन्होंने खा लिया, उन्हें मजिशियंस कोर्ट जाना था। आज कोर्ट में केज मजिशियन की पेशी है। ओह, दादाजी ने बताया होता तो मैं भी साथ जाता, मुझे भी देखना था कि मजिशियंस कोर्ट में क्या क्या होता है। जयसिंह, तुम कहाँ तक पहुँचे? कोर्ट की हेयरिंग शुरू होने में बहुत कम टाइम बचा है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे विटनेस के बिना केज मजिशियन को सजा दिलवाना नामुमकिन है, क्योंकि उसके जुर्म के तुम ही एक आई विटनेस हो। सर मैजेस्टी को, इस समय मैं गोल्डन माउंटेन क्रॉस कर रहा हूँ। थैंक यू जयसिंह, अपनी लोकेशन बताने के लिए। अब तुम गवाही देने कोर्ट तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। पीछे देखो। केज मजिशियन को हाजिर किया जाए।
सर मजेस्टिको, कोर्ट शुरू होने का टाइम हो गया है, कार्रवाई शुरू की जाए। अभी जयसिंह चौहान नहीं आए हैं, वो इस केस में एक इम्पोर्टेंट विटनेस हैं। सर मजेस्टिको, आपकी इजाजत से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैजिकल कोर्ट के रूल्स के मुताबिक हम कोर्ट की कार्रवाई में एक मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी एक मिनट है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन कहता है? इबाइस का जिबाइस का सकूम रेस पुलिटो। दादाजी आप ठीक तो हैं? रुद्रा तुम यहाँ कैसे पहुँचे? दादाजी मुझे चिल्ली ने बताया कि आप मजिशियंस कोर्ट जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी देख लूंगा। रुद्रा डिवाइस का डिवाइस का सकूम पुष्टुम गो। सर मजेस्टिको, एक मिनट हो गया और कोई विटनेस नहीं आया, इसीलिए केज मजिशियन को छोड़ दिया जाए। केज मजिशियन के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, इसीलिए ये अदालत उसे बाइज्जत सबूत है। सर मजेस्टिको, सबूत है। सर मैजिस्टिको, मैं इस केस का इकलौता विटनेस हूँ। केज मजिशियन ने एक भोले भाले इंसान को मैजिक से सब कुछ भुलाकर उसकी जमीन हड़प कर केयरटेकर बनाकर रखा हुआ है, और वो जमीन अपने बेटे को गिफ्ट कर दी सिर्फ इसलिए कि उस जमीन पे बहुत सुंदर फूल उगते हैं जो इसके बेटे को पसंद है। सर मैजिस्टिको, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जय सिंह मेरे बेटे को इस कोर्ट में लेकर कैसे आ सकता है? ये लोग मेरे बेटे की नजरों में मुझे गिराना चाहते हैं। शांत हो जाओ, वो तुम्हारा बेटा नहीं, जय सिंह का पोता रुद्रा है। हम में से बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। सर मजेस्टिको, यही तो धोखा है। पर मैं धोखा नहीं खाऊंगा। जय सिंह मेरे बेटे का रूप बदल कर उसे यहाँ लाया है, मैं अभी दिखाता हूँ। अगर किसी ने भी होशियारी दिखाई तो रुद्रा को खत्म होने में पल भर की देरी नहीं लगेगी। केज मजिशियन, छोड़ दो रुद्रा को। कोर्ट मजिशियंस पुलिस को हुक्म देती है कि केज मजिशियन को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। Yeah!
थैंक यू। अपना तो अंदाज ही अलग है। एक और सिक्स। अब बॉल मैं लाती हूँ। अंतर मंतर काली कलंतर चू। कर भला तो हो भला। मायरा प्लीज मैजिक मत किया करो। सॉरी वो बॉल का मूड शायद कुछ अच्छा नहीं था। अरे रुद्रा क्या हुआ, सब ठीक तो है? बच्चों तुम लोग इस तरह खुले में मत खेलो। केज मजिशियन का खतरा अभी सिर से टला नहीं है। बेहतर होगा कुछ दिन तुम लोग पैलेस के अंदर ही खेलो। दादाजी खतरे से डरने से तो अच्छा है हम खुद केज मजिशियन के बेटे के पास जाएं। वो उससे मिलने जरूर आएगा, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा ख्याल है रुद्रा, चलो चलते हैं। How are you? हम आपके पापा के दोस्त हैं। क्या आपके पापा यहाँ हैं? मेरे पापा यहाँ नहीं हैं। कई दिनों से नहीं आए। क्या आप उन्हें जानते हैं और उन्हें बुला सकते हैं? हम उनको लेकर आएंगे। आपको कैंडी खानी है? कैंडी किन? मुझे कैंडी केन बहुत पसंद है। इबाइस का कैंडी केन ट्री क्रिएटो। मुझे खानी है। ये वाली, वो वाली, सब चाहिए मुझे। ये है, अरे वाह। कैंडी केन तो मेरी भी फेवरेट है। दो चार मैं भी खा लेता हूँ। मेरे लिए भी तोड़ दो जल्दी। अरे अरे गलती हो गई, अब कभी कैंडी नहीं खाऊंगा। कैंडी खाने की इतनी बड़ी सजा। रंगीला तुमको भी क्या पड़ी थी, इस कैंडी ट्री से सिर्फ नील कैंडी खा सकता है। जा रहे हो? पर आपने तो कहा था कि मेरे पापा को लेकर आओगे। प्रॉमिस करो। हम लोग आपके पापा को जल्दी लेकर आएंगे, पक्का प्रॉमिस। बाय बाय। मकाओ मकाओ पैलेस पर एक केज बन जाओ। हाँ?
क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ। बच्चों तुम लोग उठना नहीं। दादाजी रुद्र आगे मत जाना। केज मजिशियन ने हमारे पैलेस को केज में बदल दिया है। आगे गए तो करंट लगेगा। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो जय सिंह? तुम मुझे उम्र कैद दिलवाना चाहते थे, पर आज मैं तुम्हें उम्र कैद में डालूंगा। केज मजिशियन, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है तो मुझसे निपटो। बच्चों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, हरगिज नहीं। मैं तुम सबको एक साथ हाउस अरेस्ट में डालूंगा। अगाओ मकाओ, पैलेस उठाओ, जहां मैं जाऊं वहीं ले जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसा लगा अपना नया ठिकाना? जय सिंह चौहान, अब तुम सबकी पूरी जिंदगी यहीं बीतेगी और मैं जाऊंगा सन सिटी। तुम्हारे पैलेस की खाली जगह पर अपना एक नया पैलेस बनवाऊंगा जिसमें मैं अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहूंगा। केज मजिशियन, तुम्हारी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। कमाल है जय सिंह, तुम्हें पता है मेरे मैजिक को कैसे काटना है। मजिशियन तो तुम बहुत अच्छे हो, पर आकाओ मकाओ ड्रैगन्स बुलाऊं। छू हो सकता है तुम खुद को बचा लो, पर अपने बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम जितनी बार इन सलाखों पर वार करोगे, मेरे ड्रैगन उतनी बार अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, और अगर घुस गए तो सोचो क्या होगा।